नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस भी, या क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस। सिंपल, अभी आपने जो रेजोनेंस किया है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें जो ग्राफ बनाए आप लोगों ने, वो ग्राफ किस फ्रीक्वेंसी पे जाके शार्प हो जाता है अभी, वो शार्प पॉइंट क्या है उसका, क्वालिटी फैक्टर से भी। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था, अगर आपको कोई एफएम चैनल सुनना है रेडियो मिर्ची वाला 98.3 मेगा हर्ट्स, तो 98.3 मेगा हर्ट्स पे फ्रीक्वेंसी अगर आप क्या बनेगा, शार्प बनेगा, जीरो बनेगा अभी नीचे आके कर लोगे, तो उस पॉइंट को बोलते हम लोग क्वालिटी फैक्टर्स, यानी आपका आउटपुट में जो आंसर आ रहा हो उसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है अभी। देखो, आपको गाना सुनाई देगा, पक्की बात है, 98.2 पे भी सुनाई देगा, 1 पे सुनाई देगा, लेकिन उस गाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी अभी साउंड की भी, तो वही है बस क्वालिटी फैक्टर्स। कर लोगे आपने जितने भी चैनल सुने हैं ना रेडियो के, वो बोलते ना कि मैं इतने मेगा हर्ट से रामफल बोल रहा हूँ रोहतक स्टेशन से, अभी सुना होगा ये वर्ड रेडियो में, सुनते नहीं, पहले बताता है मैं किस फ्रिक्वेंसी से बोल रहा हूँ भाई, मेरे पहले उसको सेट कर ले डिवाइस को, फिर मेरी आवाज़ सुनेगी तेरे को। पहले आपको क्या बोला जाता है कि इतना फ्रीक्वेंसी है मेरी बोलने की आवाज़, तो उसको इतने पे सेट कर, तब जाके मेरी आवाज़ आपको अच्छी सुनाई देगी, वही क्या आपका क्वालिटी फैक्टर सर। कर लोगे yes, तो लिख लीजिए क्या होता है अब, इसको इन मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे, सिंपल फॉर्म है, लिखो इट इज़ द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर एट रेजोनेंस टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। क्या लिखवाया क्लास, देखिए क्यू फैक्टर क्या भाई, इसका रेशो है क्यू फैक्टर, रेशो है वोल्टेज किसके अकॉर्डिंग भाई, एल में, या फिर वोल्टेज अक्रॉस सी बाय वोल्टेज अक्रॉस आर में। इस रेशो को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वालिटी फैक्टर्स बोलते हैं। जब भी वो सेट करते हैं ना कि क्वालिटीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, तो इसको सेट किया जाता है वोल्टेज को हमेशा। कर लोगे तो सिंपल, अभी दोनों के लिए कर लेते हैं, इंडिविजुअल कर लेते हैं, पहले इंडक्टर के लिए कर लेंगे, फिर कैपेसिटर के लिए कर लेंगे। मैं यहाँ पर ले देता हूँ क्यू फैक्टर इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूँ वी एल था ना ये, याद होता आपको, बाई वी आर, या फिर लिख सकते हैं इसके इसको वी सी बाई वी आर, और वी आर का कुछ वैल्यू भी था भाई, याद होता आपको वी एल और वी आर का वैल्यू था कुछ, ये था आई नॉट एक्स एल बाई आई नॉट आर भी, और बनाए तो आई नॉट एक्स सी बाई आई नॉट आर, यस आर ना, दोनों तरफ आई नॉट कैंसिल हो गए, हो जाएगा, तो क्यू फैक्टर किसके बराबर हुआ भाई, एक तो हुआ एक्स एल बाई आर, या फिर एक्स सी बाई आर। और एक्स सी की कुछ वैल्यू भी थी, भी याद है, पुटिंग द वैल्यूज भी, तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एल, इट इज ओमेगा एल बाई आर, यही था ना भाई, और बनाए तो वन बाई ओमेगा सी था भाई बाई आर, चेक करो, यस आर नो। और आपको याद होना चाहिए कि यूनिट थर्ड टॉपिक किसके लिए कर रहा हूँ, रेजोनेंस के लिए कर रहा हूँ, रेजोनेंस कब होता है, जब एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाए, यस आर नो, तो लिख दो इस बात को, एट रेजोनेंस क्या होगा, एक्स एल बराबर किसके, एक्स सी, हर बार यही किया है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, यही है कि नहीं है, ये ओमेगा एल है इज इक्वल टू वन बाई ओमेगा सी, यस आर नो, क्या आप यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हो, कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट एल सी, क्या लिख सकता हूँ इसको ऐसे, चेक करो, इस तरफ ओमेगा स्क्वायर हो गया एल सी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एल सी, दोनों पुट कर दूँ वैल्यू ओमेगा की, कर लोगे भाई,
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर्स भी, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्लास एल बाई आर इंटू वन बाई अंडर रूट एल सी, यही है ना ओमेगा की वैल्यू वन बाई अंडर रूट ए एल सी, एल बाई आर ओमेगा कितना है वन बाई अंडर रूट ए एल सी, सही लिखा है और लिखें तो एक्चुअल में ये क्या है देखो आप, ये वाला क्या है, ये वन बाई ओमेगा सी आर है, देख लो वन बाई ओमेगा सी आर, यस और नो, ओमेगा की वैल्यू पुट करूँ तो वन बाई अंडर रूट एल सी तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिख दें अंडर रूट एल सी बाई सी आर, देख लो सही लिखी है मैंने बात, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा भी, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। अब देखो भाई एल को क्या ले सकता हूँ, अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल, यस और नो, ये एक पावर आधे दी पावर लिख दूँ, अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल, अंडर रूट एल से एक अंडर रूट काट दूँ, यस और नो, तो मेरा आंसर हुआ वन बाई आर अंडर रूट एल बाई सी भी, सही है कि नहीं है, जिसको पता नहीं वो बताता हूँ, देखो एल है ये, इसको ले सकता हूँ अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल, एल ही तो है, तो एक अंडर रूट एल से एक अंडर रूट एल के ऊपर क्या बच गया अंडर रूट एल, नीचे क्या बच गया अंडर रूट सी, ले सकते हैं ऐसे अंडर रूट एल बाई सी, इसका आंसर तो ये हो गया, इसका देखें कितना आएगा, यहाँ पे सी है अंडर रूट सी, यहाँ पे सी है भाई, इसको अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी ले सकता हूँ, अंडर रूट सी से अंडर रूट सी काट दिया तो कितना आया वन बाई आर एल बाई सी, आप चाहे कोई भी यूज करो भाई, सीरीज का करो पैरेलल का करो, क्वालिटी फैक्टर सेम है दोनों के लिए, कर लोगे कितना वैल्यू आएगा वन बाई आर अंडर रूट एल बाई सी, और क्वालिटी फैक्टर क्या देगा आपको लिख लीजिए, इट गिव द, लिखिए इट गिव द शार्पनेस, शार्पनेस इन करंट फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी, उस ग्राफ का शेप ये होता भी, ये करंट है ये फ्रीक्वेंसीज है, अगर मैं सीरीज यूज कर लेता हूँ रेडियो के अंदर पैरेलल मर्जी आपके कुछ भी यूज करें हम लोग, ठीक है देखो आप रेडियो पहले लगाना शुरू करते हो आवाज़ साफ नहीं आएगी, फिर आप एक पॉइंट पे आएंगे रेडियो क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा, अगर आप रेडियो देखे हैं तो, ठीक है क्योंकि आजकल तो सारा क्या हो रहा है डिजिटल हो रहा है, आपके मोबाइल में भी रेडियो से है भैया, एफएम रेडियो उसमें फ्रीक्वेंसीज की एक लाइन बनी होती है, आप 98.3 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर जब सर्च करते हो पॉइंट तभी आंसर रेडियो का बजता है, बजता उससे पहले भी है और उससे बाद भी है भी, ये उसके पहले का और उसके बाद का आंसर है, जितना ग्राफ डल हो जाएगा यहाँ से सरफ नहीं होगा उतना ही क्वालिटी फैक्टर अच्छा नहीं होगा भी, यस और नो, जितना भी ग्राफ शार्प होगा भी उतना ही क्वालिटी क्या होगी उसकी अच्छी होगी, तो भी एक पॉइंट बिल्कुल ग्राफ क्या हो जाएगा ऊपर से शार्प हो जाएगा, मतलब आपका क्या आ गया क्वालिटी फैक्टर्स आ गया, और जो आप उसका चैनल चेंज करते हैं ट्यूनिंग बोलते हैं उसको, हम लिखा होता है ट्यूनिंग उसके ऊपर रेडियो के ऊपर, ट्यूनिंग होता है वेरिएबल कैपेसिटर भी, आप उससे सी चेंज कर रहे होते हो और सी चेंज करके क्या बना सकते हैं हम लोग दोनों कंडीशंस में क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं डिवाइसेस की, कर पाओगे क्योंकि दोनों में सी चेंज, अपने अकॉर्डिंग हम सी को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्वालिटी फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा भी, दिस इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस भी, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस भी, ओके इसके लिए भी आपको पहले के टॉपिक आने चाहिए अभी, टॉपिक क्या था जब मैं रेजिस्टेंस पे काम किया था अभी, हमने ऑब्जर्व किया था कि उसके लिए करंट और वोल्टेज का सेम आंसर आ रहे थे, फेज डिफरेंस बिल्कुल सेम था, पाथ सेम था, सब कुछ सेम था भाई, ठीक है कर लोगे, आपको पावर पता हो क्या होती है, पावर क्या होती है करंट की टर्म में वोल्टेज की टर्म में, सिंपल ई इंटू आई या वी इंटू आई, गुणाई तो करनी है, कर लोगे तो लिख लीजिए ए रेजिस्टेंस हैव, ए रेजिस्टेंस हैव, उसको जोड़ रखा अभी सोर्स के साथ, रेजिस्टेंस हैव अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट, कितना वैल्यू था भाई ई का, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का
आई नॉट साइन ओमेगा टी इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस याद है, कर लोगे? आपको पावर निकालना है, अभी पावर के लिए क्या चाहिए, डब्ल्यू बाई टी चाहिए, मेरे को वर्क चाहिए अभी। ओके, तो मैं पावर से ही पावर निकाल लेता हूँ, मतलब देखो अभी देख रहे हैं, देख लीजिए, डी डब्ल्यू इज द स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम। अभी कौन सा चीज़ है, अभी ये क्या चीज़ आ गई बीच में एकदम से, डी डब्ल्यू इज द स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल टाइम डी टी, कुछ नहीं है, ये पावर है। पावर क्या होती है, डी डब्ल्यू बाई डी टी तो होती है, पावर ही तो निकाल ली हमको। यस सर ना, ये स्मॉल के लिए है, टाइम स्मॉल है, पूरे के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे आंसर्स को। पावर ही लिख रहा हूँ मैं अभी भी, ये एकदम से क्या आ गया, अलग आ गया कुछ, है ना, क्या वर्क कर रहे हैं पता नहीं भाई, क्या वर्क कर रहे हैं, करंट को मेंटेन करने के रेजिस्टेंस में जो काम किया जा रहा है अभी, वही है पावर भी आपकी, कर लोगे? तो क्या होता है क्लास, याद है, इसको ई आई लिख सकता हूँ, ई आई वी फॉर्मूले है हमारे, वी इंटू आई वी, तो बड़ी द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू वी क्लास, ई आई डी टी, सही लिखा है, चेक कर लो एक बार, ई आई डी टी, पुटिंग द वैल्यूज भी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई नॉट साइन ओमेगा टी, सही लिखा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी इनटू डी टी, सही लिखी है, ऐसे ले सकते हैं, डी डब्ल्यू बराबर है ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, सही लिखा है कि नहीं लिखा? Yes, कई बच्चों का शक होता है कि साइन ओमेगा टी स्क्वेयर होता है, वैसा कुछ नहीं है भाई, एंगल स्क्वेयर नहीं होता, साइन का स्क्वेयर होगा भाई। यस सर नो, कई बच्चों को होता है कन्फ्यूजन, किसी को बोलते हैं दो पॉइंट पे आप एक पॉइंट पे टक जाते हो कि इसको स्क्वेयर करूँ कि इसको स्क्वेयर करूँ, वहीं पर गलत क्वेश्चन भाई, ठीक है, ध्यान से कीजिए थोड़ा सा, गुणा किया है साइन साइन का भाई, तो साइन स्क्वेयर होना है, ओमेगा एंगल का मैंने गुणा नहीं किया अभी तक, कर लोगे? अब देखिए अभी क्लास, ये तो स्मॉल वर्क था, अभी हमको पूरा वर्क करना है कंप्लीट साइकिल के लिए, अभी पावर तो पूरे में होती है। यस सर नो, तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू, रब कर दे, कितना होगा अभी क्लास बताओ, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख दें पूरे साइकिल के लिए, जीरो से टी, पावर तो पूरे में ही स्टोर होती है भाई। यस सर नो, अब आप इस तरह के हम कर चुके हैं क्लास, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लें, ई नॉट आई नॉट वी, आपको पता है कि साइन स्क्वेयर का नहीं होता अभी। यस सर नो, इसको कन्वर्ट किया था हम लोगों ने एक पॉइंट के ऊपर आके, देख दूँ पे डायरेक्ट, जीरो से टी वन माइनस कोस टू ओमेगा टी बाई टू इन टू डी टी, चेक करो भाई, साइन स्क्वेयर का फार्मूला था ये, आपको पता है कि साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन नहीं होता अभी क्लास कभी, इसमें कर दो, आपकी भरोसा लग रहा है मेरे को कि एक पावर जोड़े नीचे एक पावर करके आंसर निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। यस सर नो, साइन स्क्वेयर का नहीं होता तो उसका फार्मूला बना के करते हम लोग, फार्मूला क्या बनता है, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, अगर इसके साथ कॉस स्क्वेयर हो तो फार्मूला क्या बनेगा, वन प्लस हो जाएगा भाई। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब टू को बाहर निकाल लो तो कितना आएगा, डब्ल्यू बराबर अभी ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटीग्रेशन जीरो से टी वन डी टी, सही है, माइनस जीरो से टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी, क्या सही लिखा है, इंडिविजुअल कर लिया मैंने भी, वन का अलग कर दे इसका अलग कर दे। यस आर नो क्लास, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन ई नॉट आई नॉट बाई टू, वन का कितना होगा भाई, टी जीरो से टी माइनस कोस का कितना होगा भाई, साइन टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा भाई, जीरो से टी। ओके, पुटिंग द लिमिट्स भी, माइनस होता है प्लस होता है भाई,
एंड डेरिवेटिव होता माइनस, कर लोगे? कितना आएगा? अपर लिमिट माने से लोअर लिमिट, टी माइनस जीरो, पुट कर दो लिमिट भाई, देखो क्या है कि साइन टू ओमेगा टी, कैपिटल टी आ गया, व्हाट इज ओमेगा टी, टू पाई इंटू टू फोर पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फोर पाई, जीरो होती है अभी, यस और नो? माइनस साइन जीरो पुट करें इंटू समथिंग, जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, ये जीरो हो चुका है, कर लोगे? इतनी बार टॉपिक करने बाद याद हो जाता है कि साइन का टू ओमेगा टी का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, यस और नो? तो जीरो लिख दूं डायरेक्ट भी, साइड में लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे पॉइंट बना के, साइन टू ओमेगा टी डी टी जीरो से टी कितना आंसर होगा, जीरो, जरूरी है अभी बताना पड़ेगा आपको ये बात, कर लोगे? समझ में आया कि नहीं आया अभी? तो कितना आंसर हुआ अभी, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई टू इंटू टी, सही लिखा है अभी क्लास? ये तो हो गया वर्क डन हमारा भाई, हम तो पावर निकालनी है, पावर क्या होती है, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी वी, फुल टाइम के लिए कर रहे हैं, यस और नो? सही है कि नहीं? टी सी टी कट दूं, कितना आंसर होगा भाई, ई नोट आई नोट बाई टू, ई नोट आई नोट बाई टू, सही है कि नहीं है, कर पाओगे? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पावर इज इक्वल टू, फार्मूला आंसर हो गया भाई, ई नोट आई नोट बाई टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्लास, देखो थोड़ा मॉडिफाइड कर रहे हैं, ई नोट बाई अंडर रूट टू इंटू आई नोट बाई अंडर रूट टू, सही है कि नहीं है, क्या बन गया? इट इज़ आर एम एस वैल्यू, मीन वैल्यू कैसे होगी, और टू बाई पाई होता है मीन, तो क्या बन गया, आर एम एस वैल्यू है ये, देख लो, ई नोट बाई अंडर रूट टू आर एम एस है, आई नोट बाई अंडर रूट टू आर एम एस है, यस और नो? और आर एम एस के लिए वी यूज किया था कि क्या यूज किया था हम लोगों ने, वी था, तो पी का वैल्यू कितना हुआ, ई वी इंटू आई वी, ई वी आई वी क्या है, आर एम एस वैल्यूज भी निकाली हुई हमने, टॉपिक कंप्लीट, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर, निकाल सकते हो क्या, रफ कॉपी में निकाल के देखो, जैसे अभी किया टॉपिक सारा, पाँच मिनट आया मैं टॉपिक के साथ पूरा नहीं होगा अभी, पाँच मिनट ही ना या कराऊँ, पाँच, हाँ जीरो होगा, पाँच मिनट हैं, चलो कर लेते हैं भाई, तुम एक घंटा लगाओगे, लिखिए अभी एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर भी, लिख लीजिए, ए इंडक्टर हैव, ए इंडक्टर हैव अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट, ए इंडक्टर हैव अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट, कितना ईएमएफ होता है भाई इंडक्टर का, ई नोट साइन ओमेगा टी, यही होता है, व्हाट इज करंट भाई, बोल दो, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, याद ही नहीं है, यही होता है, आपको याद होना चाहिए, फार्मूला तो नहीं था, कोस था, मैंने बनाया था इसको भी, और माइनस भी था कुछ बार, यस और नो? तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ क्लास, इन टर्म ऑफ कोस, एक्चुअल में जो इतना था ये आई नोट कोस ओमेगा टी, आई नोट तो था कुछ, ई नोट बाई एक्सएल, ई नोट बाई एक्सएल या ओमेगा सी, सॉरी ओमेगा एल, ठीक है, इसको पी की रेड देते हैं, ये क्या बोल दिया ऑफिस, तो था एक्चुअल में कोस में लिया इसको,
कर लोगे भाई? तो वही लिखिए, डी डब्ल्यू क्या है, इज द स्मॉल वर्क इन टाइम, कितने टाइम में भाई, डी टी, सेम प्रोसीजर इन टाइम डी टी। तो पावर क्या होती है क्लास, स्मॉल पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ के साथ कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा, ई आई, ई आई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू बाई ई आई डी टी, ई आई डी टी, ये सही है, यस और नो? पुटिंग द वैल्यूज भी ई और आई निकाल ली हम लोगों ने, तो डी डब्ल्यू किस में आएगा, माइनस में तो आएगा पक्की बात, अभी गुणा में माइनस है, यस और नो? तो लेकिन डायरेक्ट है, माइनस ई नॉट आई नॉट भी, ई नॉट ए आई नॉट, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी भी, सही लिखा है मैंने, चेक करो एक बार, गुणा करके साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, अगर आपको कुछ याद हो फार्मूला, टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता भाई, फार्मूला है भाई साइन टू थीटा का फार्मूला, भी जिनको पता नहीं राइट कर लीजिए भाई, टू साइन थीटा कोस थीटा फार्मूला किसका है, साइन टू थीटा, सही है, यहाँ पे टू तो नहीं है, तो टू यहाँ पे ले जाऊँ, यस सर ना, ऊपर तो सिंपल है, गुणा में है, डिवाइड में टू भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये फार्मूला ऐड कर लिया भाई, ये थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम भाई वालों को भी, क्योंकि जो फार्मूले चल रहे हैं वो एक पॉइंट पे आकर स्ट्राइक करते हैं, पता नहीं कौन सा फार्मूला बना दिया, ठीक है, वैसे सिंपल मैथमेटिक्स से कोई बड़ी बात नहीं है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, लिख सकते हैं माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन टू थी टू ओमेगा टी डी टी भी, टू कहाँ से लिया आया, ये टू का होता भाई, तो टू तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे टू यहाँ पे ले गया, कर लोगे यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे ले लो, कोई की बात है, हो जाएगा, हमें पूरा वर्क निकालना भाई, निकालो, लिखिए टोटल वर्क भाई, टोटल वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन माइनस बार ले लेते हैं, ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन टू ओमेगा टी डी टी, यही है ना, जीरो से लेके टी तक फुल साइकिल यूज कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल ले, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टू, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ओमेगा टी, माइनस आएगा, आएगा ना, क्या आएगा, माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा, ये बात सही है कि नहीं है, जीरो से टी, यस और नो? टू ओमेगा को बाहर निकाल लूं, माइनस को बाहर निकाल लूं, कितना आया, डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस का हो गया, ई नॉट आई नॉट बाई फोर ओमेगा, क्या बच गया, कॉस टू ओमेगा टी, पुट कर दे लिमिट भाई, क्या आएगा, कॉस टू ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो, क्या सही लिखा है मैंने, अब ये देखिए ओमेगा टी क्या होता है, टू पाई इंटू टू फोर पाई, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई फोर ओमेगा, इट इज कॉस फोर पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस फोर पाई माइनस कॉस जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस फोर पाई, वन होता है, ये बात निकालनी आती है, वो बना लो, वन पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, या किस जीरो पे आ जाएगा घूम के भी, जीरो पे क्या होता है, वन, तो कितना आंसर हुआ अभी, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई फोर ओमेगा, इट इज वन, और कॉस जीरो क्या होता है, वन माइनस वन जीरो, तो वर्क का वैल्यू कितना हो गया, जीरो, तो पावर कितना, डब्ल्यू इज इक्वल टू वही क्लास जीरो हो गया, और पावर इज इक्वल टू सिंपल है, डब्ल्यू बाई टी इक्वल टू जीरो, ओके, मतलब क्या इस बात का, रजिस्टर में तो पावर थी, इसमें पावर जीरो क्यों होगी,
ये तो मैथमेटिकली प्रूव कर दिया हम लोगों ने, कुछ मीनिंग तो होगा इस बात का भाई, जीरो पावर हो रहा है मतलब क्या है, या तो मीनिंग निकालेंगे भाई हर पॉइंट का भी, कुछ मीनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिंपल मैथमेटिक्स है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर नो, पावर जीरो मतलब क्या है क्लास? आपने इंडक्टर देखा होगा ये वाला भाई, इसमें करंट फ्लो करवा भाई, करंट फ्लो होने से, करंट चेंज होने से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा भाई। यस सर नो, अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके अपोजिट में क्या बनना है? इंड्यूस्ड में बनना है, और अपनी प्रोडक्शन में क्या करेगा? अपोज करेगा। पावर जीरो ना मतलब क्या है? जितना करंट अपने भेज दिया उतना ही बना दिया उल्टा, कितना बचा? कुछ नहीं बचने वाला भाई उसके पास। समझ में आ रहा है? तो टोटल करंट कितना उसका? जीरो भाई। टोटल करंट जीरो तो पावर जीरो। क्या कोई इंडक्टर करंट रखेगा अपने पास? नहीं रख सकता भाई। जितना करंट भेजा जा रहा है उसी उतना ही करंट उसके अपोज भी किया जा रहा है। यस सर नो, करंट भी है वोल्टेज भी है, फिर भी नेट पावर कितना? जीरो। यस सर नो, कुछ अलग नहीं आ रहा है? करंट भी है वोल्टेज भी था ईएमएफ था, फिर भी क्या था? पावर क्या था? जीरो। क्यों? जो करंट था ना उसको कोई और अपोज भी कर रहा था भाई, इट इज इंड्यूस्ड। यस सर नो, चाहे एसी लगाओ चाहे डीसी लगाओ चेंज होना है और उसमें बनना भाई, दोनों क्या करेगा? अपोज करके आंसर कितना कर देगा? जीरो। तो सिंपल लिखेंगे द चेंज इन करंट इज अपोज बाई, द चेंज इन करंट इज अपोज बाई इंड्यूस्ड करंट भी और ईएमएफ। चेंज इन करंट इज अपोज बाई इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ, सो नेट पावर इज जीरो भी। यस बी क्लास, जिसका न्यू हुआ है वो देख लीजिए अभी। लेकिन कैपेसिटर हैविंग अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज भी, अल्टरनेटिंग करंट एंड ए वोल्टेज इज इक्वल टू कितना था? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस ए पाई बाई टू। इसको इन टर्म ऑफ कॉस ले लेते हैं, I नॉट cos omega t, ओके में? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई आई, क्योंकि सारे टॉपिक हो चुके हैं, जल्दी कीजिए। डी डब्ल्यू बराबर है E नॉट I नॉट साइन omega t cos omega t dt, सही लिखा है? Yes, sir. सही है। डी डब्ल्यू बराबर है भाई कितना आएगा? ई नॉट आई नॉट बाई टू साइन टू ओमेगा टी डी टी, मैंने फार्मूला यूज कर लिया भाई, डायरेक्ट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी हो जाएगा। पूरे के लिए करें डब्ल्यू बाई, क्या कर दें? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन जीरो से टी कॉमन निकाल ले, चलो बाद में कर लेंगे। ई नॉट आई नॉट बाई टू कितना आएगा? साइन टू ओमेगा टी डी टी भी, साइन टू ओमेगा टी डी टी, सही लिखा है कि लिखा? Yes, sir. तो डब्ल्यू बराबर है ई नॉट आई नॉट बाई टू, इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई? कोस कोस आएगा ना, कोस टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा, जीरो से लेके टी तक, जीरो से लेके टी, यही है। तो W बराबर माइनस का आएगा, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं फिर, माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टू फोर ओमेगा, पुटिंग द लिमिट्स भी कॉस टू ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो भी, कॉस टू ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो, सही लिखा है? ओमेगा टी का वैल्यू होता है टू पाई। W बराबर कितना आएगा? माइनस ई नॉट आई नॉट बाई फोर ओमेगा भी, क्या बनेगा? कोस फोर पाई, कोस फोर पाई कोस जीरो, कोस फोर पाई माइनस कोस जीरो, कोस फोर पाई होता है भाई ई नॉट आई नॉट फोर ओमेगा, इट इज प्लस वन माइनस वन, यही है? Yes, जीरो हो गया भाई। Yes, तो डब्ल्यू बराबर है जीरो, तो पावर भी जीरो,
मीनिंग क्या है? पावर जीरो है कैपेसिटर के अंदर, मतलब क्या भाई? जितना पावर यूज हुआ है कैपेसिटर को चार्ज करने में, उतना ही पावर यूज हुआ उसको डिस्चार्ज करने में, कितना बचा? कुछ नहीं बचने वाला भाई, कर लोगे। लेकिन आपसे ये पूछ लेना इंडिविजुअल चार्जिंग की पावर कितनी होगी? जीरो नहीं होगी क्लास, वो एवरेज पावर कितना होगा? जीरो होगा भाई, कर लोगे। तो लिख लीजिए पावर, टोटल पावर यूज्ड टू चार्ज द कैपेसिटर, टोटल पावर यूज्ड टू चार्ज द कैपेसिटर इज इक्वल टू टोटल पावर यूज टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर, यूज टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर। जितना पावर चार्ज करने में यूज हुआ उतना ही पावर कहाँ चला गया? डिस्चार्ज करने में चला गया अभी। तो एवरेज पावर कितना हुआ? जीरो। सो एवरेज पावर इज जीरो।